गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम वर्ड ज्योग्राफी से एक टॉपिक लेकर के आए हैं। जो टॉपिक है आपका चांस और देशांतर, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रयास हम लोगों का जारी है, हाल ही में आप लोगों के समक्ष हम लोगों की लाइव क्लास से मिलेंगी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपका दोस्तों अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। आज हम इन अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे इंडिकेट करती है दोस्तों, और जो आपकी देशांतर रेखाएं वो किसे इंडिकेट करती है। वर्ड ज्योग्राफी का दोस्तों मोस्ट वर्ल्ड टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे वन डे लेवल के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं दोस्तों लगभग सभी में आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इनको समझते चलना है, और किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हैं। आइए चलते। अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर की दोस्तों, तो ये आपका है नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो जाएगा, ये साउथ पोल। अर्थात दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव। अब हम बात करेंगे 01 इक्वेटर की दोस्तों। किसकी बात करेंगे, 01 इक्वेटर की। अर्थात जो 01 इक्वेटर है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करने का कार्य करता है। अर्थात आपको मालूम है कि ये सब जो ऑलरेडी कैसी रेखा है दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थात 0 डिग्री को, यानी ये ऑलरेडी जो रेखा है आपके दोस्तों, ये कैसी रेखा, अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखाएं एक चीज दिमाग में रखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो इंडिकेट करती दोस्तों, ये किसे इंडिकेट करती है, जलवायु परिवर्तन को किसे इंडिकेट करती है, क्लाइमेट चेंजिंग को इंडिकेट करती है जो है अक्षांश रेखाएं जो भी होती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 0 डिग्री अक्षांश को मोस्ट वर्ड क्वेश्चन ही दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। अर्थात आपको मालूम इसे भूमध्य रेखा दोस्तों, क्या कहेंगे इसे, भूमध्य रेखा, या इसे हम ही विषुवत रेखा, या इसे इक्वेटर कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे इसे, इक्वेटर कहेंगे। अर्थात आपको ये ध्यान देना चाहिए, सबसे ग्लोब का मोस्ट बड़े क्वेश्चन जो है आपका आता है कि 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों कौन सी रेखा कहते हैं। एक सेकंड का क्वेश्चन है, क्या कहेंगे इसे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसे इक्वेटर कहेंगे। अब अगर हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ बनेंगे दोस्तों, तो 23.5 डिग्री बात हो रही है हम लोगों की, 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ पोल से दोस्तों कौन सी रेखा कहा गया, तो इसे कहा गया कर्क रेखा दोस्तों। क्या कहा गया इसे, इसे कर्क रेखा कहा गया। कौन सी रेखा कहा गया, कर्क रेखा। और नेक्स्ट अगर ठीक हम 66.5 डिग्री दोस्तों नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे दोस्तों आर्कटिक वृत्त, क्या हो जाएगा ये आर्कटिक वृत्त आपका हो जाएगा, या इसे हम आर्कटिक रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्कटिक रेखा। पहले दोस्तों डिवाइडेशन को समझते चले आप लोग। अब बात ये आती है कि ये 01 इक्वेटर की बात हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ होगी, 23.5 डिग्री साउथ होगी। अर्थात अभी ऑलरेडी हम लोग कौन से ध्रुव में दोस्तों, अभी हम लोग उत्तरी ध्रुव में है। अब हम साउथ की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो ये 23.5 डिग्री साउथ की बात करेंगे दोस्तों, इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे मकर रेखा कहेंगे दोस्तों। कौन सी रेखा कहेंगे, इसे मकर रेखा। लेकिन यदि अगर हम दक्षिण ध्रुव पर 66.5 डिग्री अगर बढ़ रहे हैं, तो इसे दोस्तों कौन सा कहेंगे, तो इसे ऑलरेडी हम लोग अंटार्कटिक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, या अंटार्कटिक रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, या ऑलरेडी अंटार्कटिक रेखा। ये तो होगा अक्षांश की डिवाइडेशन, जो मेन जो है आपकी जो रेखाएं ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हालांकि टेट और सुपर टेट की दृष्टिकोण से मोस्ट बड़े क्वेश्चन है, और आपके रेगुलर कोई ना कोई क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अक्षांश रेखा जो होती है दोस्तों, ये इंडिकेट किसे कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है दोस्तों क्लाइमेट चेंजिंग को, जलवायु परिवर्तन को। अर्थात 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ की स्थिति क्या बनेगी, 66.5 डिग्री साउथ की स्थिति बनेगी, क्या 23.5 डिग्री साउथ की स्थिति बनेगी। अर्थात अक्षांश रेखा वो रेखा होती है जो क्लाइमेट चेंजिंग को इंडिकेट करती है। अब आपको ये ध्यान देना कि अक्षांश रेखा दोस्तों होती कितनी है, तो इधर अगर हम चलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां से अगर यहां चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर टोटल अक्षांश रेखा अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो 90 प्लस 90, और अगर इन केस 01 इक्वेटर को इंक्लूड किया जा रहा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 181। अगर टोटल अक्षांश रेखा दोस्तों कितनी हो जाएगी, 181। बट अगर जनरल कॉन्सेप्ट अगर सामान्य वे में अगर पूछेगा, तो आपको मालूम होने के दोस्तों क्या हो जाएंगी, टोटल क्या हो जाएगी, जनरल अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा कि टोटल अक्षांश रेखा कितनी, 180। बट
अगर 01 सिक्योरिटर को इंक्लूड करके पूछेगा तो क्या हो जाएगा 181। बट कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, ये रेखाएं खींचते खींचते आपको मालूम क्या हो जाएंगे, ये बिंदु बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पॉइंट ये बन जाएंगे, ये वाले जो है आपके ये भी पॉइंट बन जाएंगे। अर्थात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिंदु जो होते हैं ऑलरेडी वो रेखाएं नहीं होती। अर्थात क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, आपको डायरेक्ट करना है कि टोटल हमारे पास अगर 181 है तो कितने बिंदु हुए, दो, तो माइनस कर दिए टोटल दोस्तों 179। अर्थात अगर इस तरीके बिंदु को छोड़कर के अगर अक्षांश रेखाओं की अगर बात की जाएगी तो कितने हो जाएंगे 179। क्लियर, अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट चर्चा करने वाले हम अक्षांश रेखाओं की ये बात होगी। अगर आपसे पूछेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी अर्थात डिस्टेंस दोस्तों कितनी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी का जो डिस्टेंस रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 111 किलोमीटर दोस्तों, कितना हो जाएगा 111 किलोमीटर हो जाएगा दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की अगर दूरी की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब यहीं से हम चर्चा करते हैं कि जो आर्कटिक, कर्क, भूमध्य, ये जो डिवाइडेशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या इनमें से कोई ऐसी रेखा है जो कि ऑलरेडी भारत के बीचों बीच या मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। हालांकि यही समझने प्रयास करें, अर्थात कर्क रेखा एक ऐसी रेखा जो कि ऑलरेडी भारत के बीचों बीच या मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात यह रेखा आपको मालूम होना चाहिए ये दोस्तों भारत के बीचों बीच या मध्य से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा होगी। अर्थात आपको मालूम है कि भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात बात करेंगे अगर ये भारत के बीचों बीच या मध्य से होकर अगर गुजरती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछेगा और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, कितने, 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों का कोड होगा दोस्तों मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, अगर मित्र पर अगर आप लोग गमछा झार देते हैं, अंतर ध्यान दीजिएगा, मित्री पर न झारिएगा, मित्र पर अगर ऑलरेडी आप गमछा झाड़ देते तो टोटल आपके जो है स्टेट सब निकल करके चले आएंगे। बात करेंगे दोस्तों मित्र की, तो ये नेपाल का जगह मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, अपार पश्चिम बंगाल और रा से दोस्तों क्या जगह राजस्थान, ठीक इसी प्रकार गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झा से क्या जगह झारखंड। अर्थात भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली दोस्तों रेखा कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा, और कितने राज्यों से, 8 राज्यों से ऊपर गुजरेगी, वो 8 राज्यों का दोस्तों कोड क्या होगा, मित्र पर गमछा धार। आए दिन जितने भी वनडे लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोस्तों लगभग सभी में पूछे जाते हैं, अर्थात ये कोड भूलिएगा नहीं। एक क्वेश्चन हमारा आप लोगों से है, कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे कि जो है कर्क रेखा क्या उत्तर प्रदेश से ऊपर गुजरती है या नहीं। क्लियर, अब हम बात करेंगे, ये तो इंडिविजुअल कर्क रेखा की बात हो गई, अब बात करेंगे कि ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, अर्थात ये तीनों की बात हो रही है। ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोस्तों, ये तीनों रेखाएं वर्ल्ड का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती दोस्तों। ये सेम सुपरडेट के पेपर में जो है 2018 वाले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, पेपर उठा करके आप देखेंगे सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। रही बात अगर हम लोग 23.5 डिग्री साउथ की बात करें दोस्तों, ये मकर रेखा अभी हाल के टेट एग्जाम में आया हुआ है और साथ साथ में 2017 के एग्जाम में भी पूछा हुआ था कि मकर रेखा का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, अर्थात 23.5 डिग्री साउथ को ही मकर रेखा कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास और है, उसके बाद हम देशांतर की बात करते, पहले आप समझते चले। आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इन तीनों रेखाओं को दो बार क्रॉस करती है, वो हम अलग से कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं बनाएंगे दोस्तों, यही पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। अर्थात कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार क्रॉस कर रही है, वो नदी दोस्तों आपकी हो जाएगी माही। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, माही। ठीक उसी प्रकार हम 01 इक्वेटर की बात करें कि 01 इक्वेटर को दोस्तों कौन सी नदी जो है दो बार क्रॉस कर रही है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। 01 इक्वेटर को दोस्तों आपने पढ़ा होगा कांगो जायरी, कांगो जायरी, यह नदी जो है विषुवत रेखा को दोस्तों कितनी बार क्रॉस कर रही है, दो बार क्रॉस कर रही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम मकर रेखा की बात करें तो यह दोस्तों आपको मालूम कि लिम्पोपो, कौन सी जाएगी, लिम्फोपो जो नदी है आपकी, ये कितनी बार, दो बार क्रॉस कर रही है। और आपने देखा होगा जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दोस्तों अभी हाल ही में हुआ था,
यानी 2021 के लास्ट में हुआ था, और सेम क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को दो बार क्रॉस करती है। कौन सी हुई दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी मकर रेखा को कौन सी क्रॉस कर रही, लिम्पोपो। और ठीक उसी समय मैंने अपने क्लास में बच्चों को बताया था कि ये जो मकर रेखा का चांद आया छांसी जो विस्तार है कितना, वो 23.5 डिग्री साउथ है। 23.5 डिग्री से दोस्तों आपके तीन क्वेश्चन बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ की बात करें हम लोग कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर साउथ की बात करें तो मकर रेखा, और 23.5 डिग्री ही आपका जो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यही आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन और समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही डायरेक्ट हम देशांतर पे आएंगे। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा शीतैनांत, ग्रीष्मैनांत और इक्विनॉक्स। शीतैनांत, ग्रीष्मैनांत और इक्विनॉक्स। अब बात करेंगे यदि सूर्य की किरणें, मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, यदि सूर्य की किरणें दोस्तों किस रेखा पर लंबवत पड़े, कर्क रेखा पर। किस रेखा पर लंबवत दोस्तों पड़े, कर्क रेखा पर अगर लंबवत पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सबसे लंबा जो दिन होगा वो कब होगा, अर्थात वो डेट होगी 21 जून। क्या होगी दोस्तों, 21 जून। और आपसे लिख करके पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें दोस्तों कब होंगी, 21 जून को होंगी। अर्थात इसे हम कौन सा ऐनांत कहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, इसी से पता लगेगा कि यहां फीडबैक मिल पा रहा कि नहीं मिल पा रहा। अर्थात आपको यह ध्यान देना कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, 21 जून को, और इस स्थिति को हम कहेंगे क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब सूर्य की किरणें दोस्तों किस रेखा पर, अब आपको मालूम जब विषुवत रेखा पर लंबवत चमके, किस रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत चमके, तो ऐसी स्थिति को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विषु। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे हम विषु। और विषु का मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा पर, जब सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर, तो विषुवत पर दोस्तों क्या हो जाएगा, विषु। अर्थात आपको ये ध्यान दीजिएगा, विषु का मतलब ये होता है कि जब दिन और रात का हो बराबर होंगे, अर्थात वो डेट कौन सी होगी दोस्तों, तो वो डेट समझने का प्रयास करें कि वो डेट कब होंगी, कि जब जो है दिन और रात का होंगे बराबर होंगे, तो वह डेट होगी दोस्तों 21 मार्च। क्या होगी, 21 मार्च, और 23 सितंबर होगी जब दिन और रात क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्लियर। 21 मार्च को दोस्तों हम कहेंगे बसंत विषु, और जो है 23 सितंबर को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, शरद विषु। ठीक सेम क्वेश्चन दोस्तों इसी 21 मार्च वाला जो आपका बसंत विषु का था, सेम यही क्वेश्चन दोस्तों आपके पेट एग्जाम में पूछा हुआ। अर्थात हर स्टेप पे देखेंगे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो आप ये ध्यान दीजिएगा 21 मार्च को बसंत विषु, और ठीक 23 सितंबर को दोस्तों क्या कहेंगे, शरद विषु। एक क्वेश्चन और आपका है, जब यह सूर्य की किरणें दोस्तों किस रेखा पर लंबवत चमके, अर्थात मकर रेखा पर लंबवत चमके, ऐसी स्थिति में, अर्थात अब हम लोग दोस्तों कौन से गोलार्ध में आ गए, हम लोग अब आगे दक्षिणी गोलार्ध में। किसके आगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में आगे। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की किरणें लंबवत किस रेखा पर, मकर रेखा पर, अर्थात अब हम आगे दक्षिणी गोलार्ध पे, तो आपसे लिख करके पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात की डेट क्या होगी, वह डेट होगी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 दिसंबर हो जाएगा। अर्थात इसे हम कहेंगे शीतैनांत। क्या कहेंगे दोस्तों इसे, इसे कहेंगे शीतैनांत। क्या कहेंगे, शीतैनांत। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अर्थात ये चर्चा तो हमारी अभी कुल मिला करके जो है ये अभी अक्षांश को लेकर के और इक्विनॉक्स को लेकर के हुई है। अब चर्चा करेंगे दोस्तों देशांतर की, बहुत ज्यादा मैटर हो रहा है, हम नेक्स्ट बार आएंगे तो लाइव क्लास लेकर के स्पष्ट कर देंगे, अभी आप समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब रही बात अगर हम लोग देशांतर की, तो ये रेखा है दोस्तों, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब ऑलरेडी कैसी हो जाएंगी, ये आपकी क्या जाएंगी दोस्तों, देशांतर हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, ये देशांतर हो जाएगी। अब देशांतर रेखा है, सबसे बड़ी चीज आपको यह जानना जरूरी है कि देशांतर रेखाएं इंडिकेट किसे करती है, तो आप यहां समझने का प्रयास करें कि जो देशांतर रेखाएं होती है दोस्तों, ये बस दो प्रकार आप दिमाग में रखिएगा, इसमें समय और तिथि को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है, समय और तिथि को इंडिकेट करती है। अर्थात देशांतर रेखाओं का मात्र दो क्वेश्चन बनेगा, समय और तिथि, समय और तिथि। अगर बात करेंगे तो आपको ये ध्यान दीजिएगा, समय की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और तिथि की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। अर्थात ये ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा, जो वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा दोस्तों, वो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, जो कि कहां से गुजरेगी, लंदन के ग्रीनविच शहर से दोस्तों। कहां से गुजरेगी ये, लंदन आपका जो है
यहाँ थोड़ा सा जो है स्पेस लेने के बाद आप लोगों को समझाते हैं दोस्तों ये कहां से होकर गुजरेगी। अर्थात आप ये ध्यान दीजिएगा ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। अर्थात कहां से, ये समय की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका लंदन का एक शहर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों ग्रीनविच, क्या हो जाएगा आपका ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। क्लियर, यही सेम क्वेश्चन अभी जूनियर वाले एग्जाम में दोस्तों आपके ये आया था कि वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा ये लंदन के किस शहर से होकर के गुजरेगी, ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरेगी, इसे वर्ल्ड की प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। क्लियर, अब वही चीज हम रिलेट करेंगे इंडिया से कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा, भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा कितने जो है डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा वह ऑलरेडी जो भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा है वह आपसे लेकर के पूछेगा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों कितना देगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात ऑलरेडी हम उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ पूर्व स्थिति में है, तो अर्थात आप ये ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री का मतलब क्या होगा। अगर एक देशांतर से मान लीजिए सपोज करिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो मध्य की दूरी होती दोस्तों 111.32 किलोमीटर, कितना 111.32 किलोमीटर, और इसको क्रॉस करने में कितने मिनट का वक्त ले रहा है दोस्तों 4 मिनट का वक्त ले रहा है। इसके माध्यम से हम निकालने का प्रयास करेंगे 82.5 × 4 करेंगे टोटल वैल्यू निकल करके आएगी दोस्तों कितने मिनट 330 मिनट, और 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 5.5 घंटे, क्या हो जाएगा 5.5 घंटे। अर्थात जो भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा दोस्तों ये कहां से गुजर रही है आपने पढ़ा होगा नैनी इलाहाबाद, नैनी आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो जाएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा। और रही बात डिफरेंस की अगर बात की जाए कि वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा भारत के प्रमाणिक मध्यान रेखा के अंदर डिफरेंस कितना है, कितने घंटे का डिफरेंस, दो भी जानना जरूरी है आपको, तो 5.5 घंटे आपने निकाल लिया आराम से 330 मिनट आ गए। अर्थात आपको मालूम कि वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा और भारत में डिफरेंस दोस्तों कितना 5.5 घंटे का। अब हम बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों मोबाइल में आप आ जाए अपने मोबाइल में आपको मिला होगा GMT प्लस 5.5 घंटे। क्या आपने कभी अपने AM और PM को चेंज करते हुए आपने कभी इसको चेंज नहीं किया होगा कि आपने जो है इसको चेंज कर दिया हो टाइम जोन को ही चेंज कर दिया हो। अब बात ये आती है कि GPR क्या जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन में डिफरेंस कितना 5.5 घंटे का डिफरेंस है, और ये 5.5 घंटे आगे कौन है दोस्तों, तो 5.5 घंटे ऑलरेडी आगे कौन है, इंडिया आगे है वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा से। इन केस अगर मान लीजिए इन केस लंदन में दिन के 12 बज रहे तो हमारे यहां शाम को कितना बज रहा होगा 5.5 बज रहे होंगे, कितना 5.5। इसी प्रकार सीटेट में क्वेश्चन आया कि जो है कि कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे एक देशांतर से दूसरे देशांतर में वक्त कितने मिनट का लग रहा है 4 मिनट का लग रहा, और जो भी अकॉर्डिंग टू पूछे उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, तो हो गया कि वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्यान रेखा और साथ साथ भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा अगर नैनी के अगर नैनी नहीं आप सुने दोस्तों, तो उसके बाद नंबर आता है किसका मिर्जापुर का, और भारत की ये 5 शहरों से गुजरती है, किसके दोस्तों 5 शहरों से। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका, समय की बात करेंगे दोस्तों 180 डिग्री देशांतर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है यह आपको मालूम होना चाहिए कितने डिग्री देशांतर पर स्थित दोस्तों, तो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और यदि अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की अगर बढ़ेंगे, अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ दोस्तों बढ़ते तो एक दिन क्या होता ऐड हो जाता, क्या होता है एक दिन ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए थे 100 देशांतर। अगर दोस्तों ये पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।